नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जेल से बाहर निकले पप्पू यादव, प्रशासन ने इलाज के लिए DMCH में कराया भर्ती। APO मेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून। गंगा में मिले शवों पर बोले लालू, जिंदा रहते इलाज नहीं और मरने के बाद कफन नसीब नहीं, हिंदुओं के शवों को दफना रही है सरकार। बिहार में नहीं रुकेगा 18 से 45 वालों का वैक्सीनेशन, 6 लाख वैक्सीन और पहुंचे, सरकार टीका लगाने में तेजी लाएगी। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों पर सरकार सख्त, होम आइसोलेशन पर जाने वाले बर्खास्त होंगे और केस भी होगा। कोरोना के बीच बिहार में डराने लगी चमकी बुखार, उत्तर बिहार में अब तक 2 की मौत। तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पर मंथन शुरू, प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ समिति गठित। गाइडलाइन के बावजूद बिहार के निजी अस्पताल इलाज में वसूल रहे हैं अधिक फीस। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में बीमार हुए कम, ठीक हुए ज्यादा। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीतीश सरकार ने 16 मई से लेकर 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को खुद ट्वीट कर सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी है। सरकार के फैसले के बाद नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बिहार में अब 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार शादी समारोह में 50 लोगों की बजाय सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में दुकानों को खोलने के समय में भी बदलाव किया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुपौल के बीरपुर जेल से बंद जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को इलाज के लिए दरभंगा लाया गया है। पप्पू यादव को दरभंगा के DMCH में प्रशासन ने भर्ती कराया है। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जेल के बाहर भारी संख्या में मौजूद पप्पू यादव के समर्थक नारेबाजी कर पप्पू यादव को रिहा करने की मांग कर रहे थे। सुपौल के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखते हुए दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपौल DM ने आगे जानकारी दी कि पप्पू यादव के स्वास्थ्य की जाँच के लिए मेडिकल टीम गठित की गई थी। टीम का रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें इलाज के लिए उच्च उपचार केंद्र में भेजने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर पप्पू यादव को बीरपुर उपकारा से DMCH भेजा गया। गौरतलब हो कि 32 साल पुराने अपहरण मामले में सुपौल जिले के बीरपुर जेल में बंद जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को इलाज के लिए मधेपुरा कोर्ट ने बाहर ले जाने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि पप्पू यादव को पटना पुलिस ने मंगलवार को पटना स्थित उनके आवास से लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर हिरासत में लिया था। बाद में मधेपुरा से गए पुलिस ने उन्हें जिले के कुमारखंड थाना में दर्ज कांड संख्या 989 में फरार रहने का गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार देर रात ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी मधेपुरा कोर्ट में पेशी की गई, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बीरपुर में बने क्वारंटाइन जेल में भेज दिया। BPSC के सहायक अभियोजन पदाधिकारी के मुख्य लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। BPSC के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी। 12 मई से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 4 जून तक भरा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भरे जाने के बाद हार्ड कॉपी और सभी डॉक्यूमेंट को निबंधित या स्पीड पोस्ट के जरिए 11 जून की शाम 5 बजे तक पहुंचाने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। BPSC की ओर से APO के कुल 553 पदों पर नियुक्ति की जानी है। मुख्य परीक्षा के लिए 3,995 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आवेदन व अन्य जानकारियों के लिए BPSC की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना जरूरी है। इसके लिए उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है।
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच गंगा नदी में मिले शवों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक संज्ञान ले चुके हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर इस मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिंदा रहते इलाज नहीं मिला है और मरने के बाद कफन तक नसीब नहीं, हिंदुओं के शवों को दफनाया जा रहा है। बक्सर और UP के बीच गंगा में मिले शवों पर राजद और पूरा लालू परिवार लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि जीते जी जिन्हें ऑक्सीजन बेड दवाएं और इलाज नहीं मिला, उन्हें मरने के बाद लकड़ी और कफन तक नहीं मिल सका, शवों की दुर्गति के लिए गंगा में फेंक दिया गया, कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं, हिंदुओं के शवों को दफना दिया गया है, कहां ले जा रहे हैं देश को। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया जिलों को बिहार के बक्सर जिले से गंगा नदी अलग करती है। इन तीन जिलों के बीच गंगा नदी में अब तक 100 से अधिक लाश को बक्सर के गंगा नदी से निकाला जा चुका है। बक्सर जिला प्रशासन और बिहार सरकार का दावा है कि ये सभी लाश उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार की तरफ आए हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन के सिर्फ 3.5 लाख डोज के सहारे शुरू हुए 18 से 45 की उम्र वालों के वैक्सीनेशन का काम रुकने की आशंका फिलहाल खत्म हो गई है। राज्य सरकार को 6 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के और डोज मिल गए हैं। सरकार कह रही है कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेजी की जाएगी, लेकिन फिर भी बिहार को जितने वैक्सीन की डोज की ज़रूरत है उसके मुताबिक आपूर्ति शून्य के बराबर ही माना जा सकता है। दरअसल बिहार में पिछले 9 मई से 18 से 45 तक की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। सरकार ने जानकारी दी थी कि कोविशील्ड वैक्सीन के 3.5 लाख डोज उसे मिले हैं, उसी के सहारे वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। लेकिन बिहार में वैक्सीन लेने वालों की तादाद को देखते हुए ये संख्या नगण्य थी। आलम यह हो रहा था कि कुछ जगहों पर लॉटरी निकलकर वैक्सीन देने की खबरें आ रही थी। कोरोना महामारी के बीच होम आइसोलेशन में जाने वाले स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की सेवा खत्म की जाएगी। इसके अलावा उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और IPC का अलग अलग धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को लेकर अब सख्ती दिखाई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने यह आदेश जारी किया है। सभी जिलों के सिविल सर्जन, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि होम आइसोलेशन में जाने वाले संविदा कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार के मुताबिक कोरोना संक्रमण से पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों द्वारा अनाधिकृत रूप से होम आइसोलेशन में जाने के कारण आम लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में परेशानी हो रही है। खासतौर पर कोरोना मरीजों की जाँच और उनके इलाज के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान पर प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, संविदा कर्मियों की तरफ से अन्य कर्मियों को भी काम करने से रोका जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में पैदा हुई विषम परिस्थिति को देखते हुए अब सरकार ने ऐसे संविदा कर्मियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला किया है। बिहार एपिडेमिक डिजीज COVID-19 रेगुलेशन में इस बात का प्रावधान है कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। अब इसी एक्ट के तहत संविदा कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, साथ ही उनकी सूची भी स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में कोरोना वायरस महामारी के बीच चमकी बुखार का कहर सामने आया है। राज्य के 2 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में इसके मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चमकी बुखार ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से इस पर अलग तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार और चंपारण में चमकी बुखार के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 16 नए मरीज मिले हैं। हालांकि 10 नए मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 मरीज अब भी भर्ती हैं। राज्य में मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। बिहार में चमकी बुखार से अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में 1 और सीतामढ़ी में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं चमकी बुखार के नए मरीज मिलने पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। वर्तमान से भी खतरनाक हालात पैदा होंगे। इससे लड़ने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी में अभी से जुट जाना होगा। तत्काल से ही प्रभावी होने वाले दीर्घकालीन निर्णय नहीं लिए तो बड़ी जनहानि होगी। सरकार के स्तर से कोरोना के उपचार संबंधी निर्णयों में नौकरशाहों की जगह विशेषज्ञ डॉक्टरों की भूमिका बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को यह सलाह राजकीय मेडिकल ऑफिसर्स की
संस्था बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन ने दी है। भाषा के महासचिव और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर रंजीत का कहना है कि लोगों को समय समय रहते चेतावनी देनी चाहिए। हालात बेकाबू होने पर राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्वोच्च बल और तंत्र लगाना था। डॉक्टर रंजीत का कहना है कि सभी योजनाएं केंद्र बनाता है, राज्य का स्वास्थ्य विभाग तो इसे लागू करता है। सभी वर्ग के डॉक्टर इंजीनियर स्कॉलर के साथ काम करने की जरूरत है। अभी भी कोविड से जुड़े निर्णयों में नौकरशाही हावी है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बावजूद राज्य के निजी अस्पताल कोरोना रोगियों के इलाज में तय सीमा से अधिक फीस की वसूली कर रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में केरल में भी विवाद हुआ था, लेकिन वहां की सरकार ने अपने आदेश में जो फीस तय किया है वह बिहार सरकार द्वारा तय फीस से भी कम है। इस मामले की मॉनिटरिंग केरल हाईकोर्ट भी कर रहा है। इस मामले पर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सहजानंद प्रसाद कहते हैं कि इस संबंध में जानकारी नहीं है, वे इस समय बीमार है और 2-3 दिन के बाद ठीक होने पर इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से बात कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। पटना जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। जिले के कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 15,042 हो चुकी है। खास बात यह है कि 3-4 दिनों से प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा औसतन 1500 के आसपास ही रह रहा है। खास बात यह है कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। बुधवार को सिर्फ 977 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि कुछ दिनों से यह आंकड़ा 1500 के आसपास था। पटना सदर प्रखंड के साथ ही अन्य प्रखंडों से भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। 10 प्रखंड ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। पटना जिले में सबसे कम संक्रमित फिलहाल दनियावा में है। शहर में कोरोना के बढ़ते मामले और लगातार हो रही मौत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास में जुटा है। शहर के PMCH, IGIMS, NMCH व एम्स में कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड बढ़ाए गए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।